जय हिंद दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं समय और काम जो है टाइम एंड वर्क उसका टाइप फोर को लेकर के। टाइप फोर में किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा और ये जो सवाल है उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये जो है टाइप थ्री का जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो इसमें तीन व्यक्ति रहेंगे, तो ए बी और सी मान के चलिए तीन व्यक्ति हैं। तीन व्यक्ति को किसी काम को पूरा करने में एम दिन लग रहा है, तीन व्यक्ति को किसी काम को पूरा करने में एम दिन लग रहा है। अब तीन में से जो दो व्यक्ति हैं, अब दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी सी कोई भी हो सकते हैं। तो तीन में से, तीनों में से दो को काम पूरा करने में क्रमशः कितना दिन लगेगा, तो एन और पी दिन लगेगा, एन और पी दिन। तीनों में से दो को काम पूरा करने में क्रमशः एन और पी दिन लग रहा है। जो हमारा तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा व्यक्ति, उसको काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। फिर से क्वेश्चन टाइप को समझिए। टाइप क्या है कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, तीनों को किसी काम को पूरा करने में एम दिन लग रहा है, तीनों को काम पूरा करने में एम दिन लग रहा है। और तीनों में से किसी भी दो को काम करने में कितना दिन लग रहा है, तो एन और पी दिन लग रहा है। तो जो तीसरा व्यक्ति बच गया उसको कितना दिन का समय लग रहा है। तो इस टाइप का जब सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हम लोग मान लेते हैं, व्यक्ति ए बी तथा सी, तीन व्यक्ति हैं। सवाल देखिएगा, तीन व्यक्ति हैं, ए को कितना दिन लग रहा है, तो ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 30 दिन और सी को लग रहा है 40 दिन। नहीं वैसे नहीं, सवाल देखिए सवाल कैसा है। तो ए बी सी, ए बी सी में ए जो है तीनों मिल गए, तो तीनों को काम करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तीनों मिल करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारा ए है, ए को अकेले पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, तो ए को अकेले पूरा करने में 30 दिन लगेगा, 30 दिन। तो जो बी बचा है हमारे पास, उसको कितना दिन लग रहा है, 40 दिन लग रहा है। और जो बेचारा सी बच गया उसको कितना दिन लगेगा, वही सवाल है, सी को कितना दिन लगेगा। ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में, ए का 30 दिन, बी को 40 दिन लग रहा है, सी को कितना दिन लगेगा। तो इस टाइप का जब सवाल रहेगा तब हम लोग कैसे हल करेंगे, तो उसका ट्रिक जो है क्या रहेगा तो उसको देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। उसका ट्रिक रहेगा एम इंटू एन इंटू पी बटा एन पी माइनस एम एन माइनस एम पी, यही इसका ट्रिक रहेगा। एम गुने एन गुने पी बटा एन पी माइनस एम एन माइनस एम पी। तो ये ट्रिक को उठा करके यहाँ लाइए और उठाने के बाद एम एन पी, ये वाला है एम, ये वाला है एन, ये वाला है पी, तीनों को बैठाइए, कितना हो जाएगा, 10 × 30 × 40 बटा एन पी, एन पी मतलब 30 × 40 घटाओ एम एन, एम एन मतलब ये वाला 10 × 30 फिर घटाओ कितना, तो एम पी, एम पी मतलब ए वाला और ए वाला 10 × 40। चलिए 10 × 30 × 40 बटा 30 × 40 माइनस 10 × 30 माइनस 10 × 40 इसको सॉल्व कीजिए। 4 × 12 1, 2, 3 को 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा यहाँ पे 12, 1200 माइनस 3 × 300 माइनस 400। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12000 बटा
ये तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन जो है बड़ा वाला का रहेगा 400 का, तो दोनों प्लस हो गया, कितना हो जाएगा 700, लेकिन साइन जो है बड़ा वाला का रहता है, उसके बाद 1200। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 12000 बटा 1200 में 700 को घटा देंगे, कितना बचेगा 500 बचेगा, दो जीरो को काट दीजिए, 120 बटा 5 बचा, इसको काटेंगे तब कितना होगा, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 10 = 5 5 × 20 24 बच्चे 120 आसे 24 बिंद। जो सी जो हमारा है, सी को काम करने में, काम को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, 24 दिन, यही है हमारा आंसर। तो ऐसा ही सवाल आप लोग को मैं दे देता हूँ, आप लोग उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग तीन व्यक्ति लेते हैं, तीन व्यक्ति का नाम है रानक, जयंत और किशोर। रानक, जयंत, किशोर। रौनक को लगता है 5 दिन, तीनों मिल करके पहले कर रहा है ना, तो रौनक, जयंत और किशोर, तीनों को लग रहा है 5 दिन। रौनक और जयंत, रौनक को लग रहा है 10 दिन, जयंत को लग रहा है 8 दिन, तो किशोर जो है उसको कितना दिन लगेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं टाइप 5 को लेकर के अगले क्लास में। जय हिंद।